फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। यूपी के मेरठ शहर में एक निर्माणाधीन मस्जिद का छज्जा उस वक्त गिर गया जब वहां दोपहर की नमाज पढ़ी जा रही थी। एकाएक छज्जा गिरने से वहां चीख पुकार मच गई। मलबा ऊपर गिरने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि दो लोगों को बचाया नहीं जा सका। यह हादसा निसाड़ी गेट थाना इलाके के अहमद नगर में हुआ। यहां मोहम्मदी मस्जिद में छज्जे का निर्माण चल रहा है। दोपहर की नमाज के बाद हल्की बरसात हो रही थी। हकीकतमंद लोग नमाज अता कर रहे थे कि यह छज्जा गिर गया। एक मृतक का नाम अफान है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी इमरान अंसारी ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। आज जुमे की नमाज में ये मोहम्मदिया मस्जिद आपके सामने, यहाँ पर एक दीवार का छज्जा टूटकर गिरा है, जिसमें 8-10 लोग घायल हुए हैं और दो लोगों की मौत की खबर है। एक मौत डेड बॉडी घर आ चुकी है और 8-10 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम चाह रहे हैं, हमारा प्रशासन से हमारा कहना ये है कि 8-10 लोगों को दो हमारे हायर सेंटर है आनंद और न्यूटमा, इन दोनों जगह शिफ्ट कराया जाए। ये मांग है फिलहाल, वक्ती तौर पर ये रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, मस्जिद जो है उसके अंदर जो निर्माण कार्य है नया है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये शायद बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। जो प्रशासन की कोरोना की गाइडलाइन है उसके मुताबिक लोग होंगे, बाकी जो लोग यहाँ मुकामी वो बता सकते हैं। आप मुकामी हैं? जी, सामने बराबर बगल वाले वार्ड के। आप क्या मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था? नहीं, मैं उस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहा था। मैं ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी हूँ जिले का, इमरान अंसारी मेरा नाम है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार सिंह व कोतवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया ने व्यवस्था की कमान संभाली। शहर विधायक रफीक अंसारी ने भी मौके का जायजा लिया। उनको सहयोग दें, शहर बनाए रखें, प्लीज आपसे यह अनुरोध है। हमें काम करने दें, ये ऐसी आपदा है जो किसी को बताने नहीं आया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद चौरसिया ने यह जानकारी दी। देखिए, यहाँ पर आप जैसे विदित है आपको, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में छत पे एक छोटी सी दीवार थी जो गिर गई नीचे, उससे कुछ लोग जख्मी हो गए हैं, तो उसमें दो लोग का इंतकाल भी हो गया है, बाकी जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज भी चल रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, पूरे क्षेत्रवासी इस आपदा में पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं, सब लोग मिल के इसमें काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई चिंता की विषय नहीं। जितना हम लोगों की ताकत है, जितना मेहनत हम कर सकते हैं, हम लोग पूरा इसमें सबकी जान बचाने में लगे हुए हैं, आगे भी कोई समस्या नहीं आने देंगे, यही हमारी प्रायोरिटी है जी। उनके बेहतर इलाज के लिए मैं ऐसा करा रहा हूँ, जहाँ कहीं भी थोड़ी भी इलाज में कहीं चूक उनको लग रही है, तत्काल उसको बेस्ट से बेस्ट, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह पे उसको हम लोग व्यवस्था कर लिए। सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी बात हो गई है, सारे हॉस्पिटल में बात हो गई है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के पहले उनका इलाज चलेगा, इस चीज़ को हम खुद इंश्योर करा रहे हैं। देखिए, अब ये डॉक्टर बता पाएंगे, क्योंकि चोट है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि कितने कौन हैं, लेकिन हाँ ये है कि उसमें कोई घबराने की बात, हम लोग जितना बेहतर हो सकता है प्रशासन की तरफ से वो पूरा मुहैया प्रोवाइड करा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बनी रहेगी हमारी इस खबर पर नज़र। कोरोना के इस काल में अनलॉक की प्रक्रिया तेज होने के साथ ही और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकलें, घर पर रहें, सेफ रहें। और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए फर्स्ट बाइट को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना न भूलें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।